हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज भाई हम कल होने वाले टेस्ट की तैयारी करने वाले हैं। 3 सितंबर को जो आपका टेस्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक का टेस्ट आने वाला है, तो उसके अंदर जो भी चीजें हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। एक तो भाई क्वेश्चन आता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का, ठीक है, कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे होता है। आर के साथ एच लगा हुआ है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, और सीधा एचिंग टू न्यू की प्रेजेंस में तो एच हटकर बी आर लग जाता है। सीधी साफ चीज, एच हटाओ बी आर लगाओ, एच बी आर अलग हो जाएगा। और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कितनी होती है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। यस, क्लियर है ये सबको? यस सर। ना, ये फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी है। तो इस स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, यानी फ्री रेडिकल 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। रीजन बता सकते हो क्यों होता है 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल? उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं ना, आई सर प्लस प्लस सबसे इफेक्ट ज्यादा हो ज्यादा जाता होता है है इसमें इसमें, सर। हाइपर और कंजुगेशन कंजुगेशन भी सर, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन की वजह से ठीक है, हाइपर कंजुगेशन वन ऑफ द रीजन है। उसके अलावा फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होता है, डोनेटिंग होता है, मुझे ये बताइए। एक्सेप्टिंग होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होता है इन नेचर, बस ये चीज ध्यान रखना। इसी वजह से ये वैसे ही जैसे कार्गो के टाइम शो करता है, वैसे ही ये भी अपनी स्टेबिलिटी को शो करेगा, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म करें भाई, फ्री रेडिकल से मैकेनिज्म कैसे होता है, किसी को आता है फ्री रेडिकल से मैकेनिज्म? कर कर रखा है, ठीक है। फ्री रेडिकल कैसे बनता है? एच इनटू न्यू, अगर मान लीजिए कि हाँ बेटा, ब्रेक हो जाता होमोलिटिक डिफ्यूजन हो जाएगा सर, एच और आर का। किसका डिफ्यूजन हो जाएगा? सर होमोलिटिक फ्यूजन हो जाएगा, फिर रेडिकल बन जाएगा, आर रेडिकल और एच रेडिकल। हाँ बिल्कुल, होमोलिटिक फ्यूजन होता है। तो देखिए हम इसको मैं बताता हूँ ये कैसे होने वाला है। यहाँ पर जब ब्रोमीन ब्रोमीन इसके ऊपर अटैक करता है तो क्या होता है, एच इनटू न्यू, ठीक है। एच इनटू न्यू के अंदर, ब्रोमीन की प्रेजेंस के अंदर, सबसे पहले तो ब्रोमीन दो हिस्सों में टूटेगा, यस। यस सर, बी ब्रोमीन आर का का फ्री रहेगा। रेडिकल बनेगा, प्लस दूसरा बी आर का फ्री रेडिकल बनेगा। ये बी आर का फ्री रेडिकल क्या करता है, एच के फ्री रेडिकल के साथ, यानी कि इसको फ्री रेडिकल ऐसे बना देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एच का जो फ्री रेडिकल है, इधर से आर का फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। हाफ हेडेड एरो का मतलब दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन बांट लेंगे, और फिर एक ब्रोमीन का फ्री रेडिकल इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा। ये इन दोनों का सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो अगर हम इसको ऐसे दिखाएं वो ज्यादा बेटर रहेगा। इस फ्री रेडिकल को, यहाँ ये फ्री रेडिकल ऐसे है, ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल है, या सॉरी ब्रोमीन का फ्री रेडिकल है। एच हट जाएगा, ब्रोमीन के फ्री रेडिकल के साथ ये आर बी एच जुड़ जाएगा। क्लियर है भाई? यस सर। तो फ्री रेडिकल कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, बस आपको अभी ये ध्यान रखना है, जिसकी ज्यादा स्टेबिलिटी है वही आपका एग्जैक्टली आंसर होगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, इसी के बेस पर आपका आंसर आने वाला है। क्लियर है? कर लोगे? ठीक है। तो यानी कि इसमें कोर पॉइंट क्या है फ्री रेडिकल से, ठीक है एच हटेगा बी आर जुड़ेगा, लेकिन कोर पॉइंट ये है कि इसका ध्यान रखना आपको कि कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। किसी भी तरह का स्ट्रक्चर दिया हो तो आपको इसके ऊपर फोकस करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। इसी के बेस पर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं आता कि सीधा सीधा एक ही रिएक्टेंट दे रखा। हो सकता है कि आपको रिएक्टेंट को बड़ा सारा, जैसे बेंजीन रिंग जैसा ऐसा कुछ दे दे, ठीक है, पेंटागनल रिंग दे दी, यहाँ पर एक CH3 लगा दिया, यहाँ CH2 CH3 लगा दिया, यहाँ यहाँ CH2 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 CH3 लगा दिया, और बीच में एक और ब्रांचिंग निकाल दी। तो अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है, यहाँ बन रहा है 3 डिग्री, यहाँ अगर एच हटाते हो यहाँ बन रहा है 2 डिग्री, तो भाई कौन सा बनेगा? यहाँ पर अटैक होगा, ब्रोमीन यहाँ जुड़ना पसंद करेगा, मजा आएगी यहाँ पे। क्लियर है ऐसे? क्लियर है सर। ना, बस इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम जरा। देखिए, अगर बेंजीन के साथ में आर लगा हुआ, कार्बन की चेन लगी है, FeCl3 क्लोरीन की प्रेजेंस में ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। अब ये वाला मैकेनिज्म मैंने शायद आपको करवाया था, कैसे होता है ये पता है? चलो इसी के बारे में यस सर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है वहां पे, और टू पैरा पे ज्यादा आयरन जो है, इलेक्ट्रॉन देखिए आयरन क्या डेंसिटी करेगा, Cl4- ये ऐसा करेगा, एक क्लोरीन को इधर नेगेटिव बना देगा, और जिसकी वजह से क्या आएगा, क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। इज दिस यस सर। तो इस, अब ये देखिए क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज, का पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन अटैक करेगी, पॉजिटिव चार्ज क्या ये होगा, क्या सोचिए जरा मैकेनिज्म क्या होने वाला है, क्या पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन अटैक करेगी इसके ऊपर? सर क्लोरीन रेडिकल बनेगा ना नहीं सीएल सर, टू में तो FeCl4 पहले तो चिपक जाएगी, Fe सी
FeCl4 क्या करेगा बताओ जरा, चिपकने के बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा और तो पैरा पे वहां पे क्लोरीन फिर अटैक कर देगा और तो पैरा। सर Cl2 में हेट्रोलिटिक क्लीवेज कैसे हो गया, उसमें तो फ्री रेडिकल बनना चाहिए ना। Cl2 में FeCl, FeCl3 कुछ नहीं करेगा क्या, आयरन के साथ में FeCl3 लगा रखा आपने, सोचो। सर ये क्लोरीन जो प्लस है ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये जो हमारा फिनॉल है फिनाइल उस पे जाके डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा। हाइड्रोजन वहां से रिमूव कर देगा। फिर उसके बाद क्या आगे बताइए, कोई आइडिया नहीं है सर। उसके बाद ये सीएल प्लस आके हाइड्रोजन के साथ चिपक जाएगा, फिर वो रेजोनेंस चल के हाइड्रोजन छोड़ देंगे वो एच प्लस। सुनिए मैंने एक मैकेनिज्म आप लोगों को करवाया था, फ्री रेडिकल एल्काइलेशन और एसाइलेशन वाला मैकेनिज्म याद है? यस सर। ये बिल्कुल वैसा ही तो है, यहाँ पर बेंजीन है ठीक है, यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, एनीथिंग एल्स यहाँ पर कोई ग्रुप है ठीक है। अब आपके पास में सीएल पॉजिटिव आयन है, सीएल पॉजिटिव आयन क्या करेगा, तो भाई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, अगर यहाँ ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाला लगा, सपोज दैट मैं यहाँ पर सी एच थ्री लगा दू, या मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा होता है भाई? सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता सर, विड्रॉइंग सर ओ सी एच थ्री, और विड्रॉइंग ओ सी एच थ्री लगा देते हैं ठीक है, ओ सी एच थ्री लगा दिया ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन है, ये लोन पे डोनेट करेगा, अब ये लोन पे डोनेट करेगा तो क्या आएगा, ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, जिससे क्या होने वाला ठीक है, जिससे क्या होने वाला है, अब ये चीज ध्यान कर लेना, अगर किसी को ये वाला मैकेनिज्म नहीं आता तो इसको यहीं से नोट कर लो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे एक जगह पर, जिसकी वजह से यहाँ कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये है सी एच थ्री, सी एच थ्री इसको वही क्या बोलते हैं उसको हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इसको थोड़ा स्टेबल रखने की कोशिश कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर तो होता ही है, हाइपर कंजुगेशन शायद ना भी चले क्योंकि ऑक्सीजन इतने बॉन्ड भी बनाएगा, तो ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के थ्रू क्या करेगा ये ठीक है, इसको स्टेबल रखेगा पॉजिटिव चार्ज को, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, बाकी की चीजें सेम टू सेम है। इसके बाद क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ध्यान दे लेना, ऑर्थो पोजिशन पर नेगेटिव बन रहा है, ऑर्थो पर नेगेटिव बनने के बाद अब जरा नीचे आ जाते हैं, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, दोनों तरफ एरो लगता है याद रख लेना, हर बार ये इधर भी आता रहता है, बार 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 कुछ इस तरह से घूमते रहते हैं, लेकिन हम इसको एक डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में दिखाते हैं ताकि हमारा मोटिव कंप्लीट हो जाए कि ये इस डायरेक्शन में ऐसे करके जुड़ जाएगा, होता ये बाई डायरेक्शनल है ऑलवेज ठीक है, दोनों डायरेक्शन में सभी मॉलिक्यूल्स दोनों डायरेक्शन में चलते रहते हैं, तो यहां पर आ गया डबल बॉन्ड और ये बन गया नेगेटिव चार्ज, यस क्लियर है सबको? यस सर। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड जो वो यहाँ आ जाएगा ठीक है, तो नेक्स्ट वाला देखिए क्या बनेगा अब, और ये सबको आना चाहिए, ये वाला मैकेनिज्म बहुत कॉमन है, कॉमनली यूज होता है, बार बार यूज होता है, और ये तो आना ही चाहिए, ऐसे मैकेनिज्म्स आपके मतलब बहुत ही कॉमन, कॉमनली आपको लर्न होने हो जाना चाहिए। यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज विद वन लोन पेयर और बाकी सब कुछ सेम रहेगा ठीक है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज विद सी एच थ्री ग्रुप। अब देखिए क्या होता है, ये अब ये जब यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से ये वापस ले लेगा अपना डबल बॉन्ड और वापस पहले वाली कंडीशन आ जाएगी जो फर्स्ट कंडीशन थी, लेकिन सारे डबल बॉन्ड क्या हो गए, चेंज हो गए, क्लियर है? यस सर। ये उनकी पोजीशन सभी डबल बॉन्ड्स की चेंज होगी, हालांकि ये लगातार रोटेट करते रहते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर ये चेंज होएंगे ठीक है, पोजीशन तो लगातार चेंज होती ही रहती है, बट एट लीस्ट हमने एक सर्कल घुमाना था और हमारा एक सर्कल रेजोनेंस का कंप्लीट हो गया विद टू लोन पेयर नाउ इट इज ठीक है, ऐसे चलता। तो देखिए इन सभी डायग्राम्स में आपको ध्यान देने लायक बात क्या है कि यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पैरा पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज है, तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा इलेक्ट्रॉन को लाइक करने वाला क्लोरीन नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक कर सकता है, इस ऑर्थो पर कर सकता है ना, इस ऑर्थो पर भी कर सकता है, तो ये तो दोनों ऑर्थो हैं, और वो पैरा पर भी अटैक कर सकता है, तो यानी ऑर्थो और ये पैरा डायरेक्ट, तो इस तरह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बैठा है बेंजीन रिंग पर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो क्या होता है भाई, बेंजीन रिंग वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, यस क्लियर है? यस सर। यस सर ठीक है, बट हमारा मेजर प्रोडक्ट हमारा पैरा वाला होगा ना, अब ये डिपेंड मेजर के लिए भी डिपेंड करता है, ऑर्थो के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह कुछ बन रहा है तो मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्थो होगा, लेकिन अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह ऐसा कुछ नहीं बन रहा और स्टेरिकली हिंड्रेंस ज्यादा है तो पैरा वाला होगा,
समझ में आ रही है बात? हमेशा डिपेंड करेगा कि हमारे पास कंडीशंस क्या है, ऑर्थो भी हो सकता है पैरा भी हो सकता है, डिपेंड करता है मोस्टली केसेस में तो पैरा वाला ही मेजर रहता है। हां मोस्टली केसेस में पैरा वाला मेजर रहता है ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर रिएक्टेंट बदल गया ठीक है तो हो सकता है ऑर्थो वाला भी मेजर हो जाए। तो इसलिए हम जनरल जो जानते हैं वो पैरा को बोलते हैं। सर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हमारा मेटा डायरेक्टिंग होगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हाँ वो मेटा डायरेक्टिंग होता है ठीक है। ये ऑर्थो मेटा ऑर्थो और पैरा एक्टिवेटिंग भी होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने क्या किया, ऑर्थो और पैरा के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, इसलिए इसको बोलेंगे ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग। और जो मेटा डायरेक्टिंग होता है वो क्या करता है, वो ऑर्थो और पैरा को डीएक्टिवेट कर देता है, मेटा को एक्टिवेट नहीं करेगा वो। ऑर्थो और पैरा पर उस टाइम पे क्या आ जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऑर्थो पैरा पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो है, ध्यान दे लेना, ऑर्थो और पैरा पर यहाँ पर भी पॉजिटिव आ जाए और यहाँ पर भी पॉजिटिव, अगर ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर कम हो गई, ऑर्थो और पैरा पर कम हो गई। मेटा पर तो उतनी है, अब भी उतनी ही है मेटा पर, हर कंडीशन में देखो मेटा के पास में एक डबल बॉन्ड है हर कंडीशन में, है ना, दोनों मेटा पोजीशंस के बाद कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है। तो यानी जब पॉजिटिव चार्ज आएगा बेंजीन रिंग पर तब भी डबल बॉन्ड वही रहेगा मेटा पर, तो मेटा पर कोई असर नहीं होता। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करता है, ऑर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज ले आता है तो ऑर्थो और पैरा को डीएक्टिवेट कर देगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के पास कोई जाना नहीं चाहेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन वाली साइड पे जाएगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है, डायरेक्टिंग मेटा, लेकिन मेटा एक्टिवेटिंग कोई ग्रुप नहीं होता, मेटा एक्टिवेटिंग कोई ग्रुप नहीं होता। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में से कोई भी ग्रुप मेटा एक्टिवेटिंग तो नहीं होता ठीक है। तो ये कुछ ऐसे काम करता है। अब आगे देखते हैं भाई, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, क्लोरीन को अटैक करना है तो क्लोरीन अटैक करेगा कहाँ पर, या तो यहाँ अटैक कर सकता है या यहाँ अटैक कर सकता है या यहाँ अटैक कर सकता है ठीक है। और इस तरह से हमें पता लग गया ऑर्थो या पैरा के ऊपर क्लोरीन जुड़ेगी। तो FeCl3 या AlCl3, अब ये ध्यान दे लेना AlCl3 भी ऐसा ही करता है ठीक है। ये फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन करवा सकते हैं। AlCl3 क्या करते हैं, ये एक क्लोरीन को अपने साथ जोड़ लेते हैं, AlCl4 ऐसा कुछ बना देते हैं, FeCl4 ऐसा कुछ बना देते हैं। क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. तो कुछ yes, sir. ये दोनों काम करते हैं, ध्यान रख लेना ठीक है। और अगर इसी रिएक्शन को क्लोरीन प्लस H+ के साथ करवाते हैं, तो क्लोरीन प्लस H+, तो यहाँ जो मान लो एक CH3 लगा हुआ है, R ग्रुप है कोई भी CH3, तो वो CCl4 बना देगा, समझ गए। लेकिन अगर FeCl3 है Cl2 के साथ करवाते हैं तो वो बेंजीन रिंग के साथ में क्लोरीन जुड़ेगा। समझ में आई बात, डिफरेंस समझ में आया? ये बेंजीन वाला जो है सर, सेकंड वाला आगे। हाँ बेटा क्या कह रहे हो सर, सेकंड वाले भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा ना? हाँ वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा क्लोरीन के साथ में, बिल्कुल सर। जब हमारा क्लोरीन एक्सेस में होगा तभी तो Cl3 बनाएगा, अगर एक ही मोल है तो सर CH2Cl बनाएगा ना? हाँ एक ही मोल है तो ऑब्वियस है क्लोरीन अकेला ही लगेगा, अगर क्लोरीन ज्यादा होगा वो तो बैलेंसिंग पर है, बिल्कुल बैलेंसिंग मतलब क्लोरीन जितने मोल चाहिए सफिशियंट अगर है तो उतने हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन जुड़ जाएगा ठीक है H+ के साथ, यानी बेंजीन रिंग पर अटैक नहीं करने वाला क्लोरीन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में। पॉजिटिव बन जाए क्लोरीन तो वो बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। दोनों का डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, दोनों प्रोडक्ट्स में बहुत बड़ा फर्क है। वो ऑर्थो पैरा बेंजीन पर अटैक करता करवाता है बेंजीन डायरेक्टिंग, और ये क्या करवाता है, ये आप डायरेक्ट करवा देगा, बेंजीन पर डायरेक्ट नहीं करवाएगा। क्लियर है ये चीज? yes. देखिए अब एक क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये क्या कहता है, ये बोल रहा है कि E2 मैकेनिज्म, आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन E2 मैकेनिज्म टाइप में आएगा। तो E2 मैकेनिज्म सबको याद है क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ से हाइड्रोजन अपना डबल बॉन्ड बनाएगा, कोई बेस लेके जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए अगर आप E2 मैकेनिज्म करवाना चाहते हो। Yes. बहुत ध्यान से रखना, याद रखना कि स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 मैकेनिज्म करेगा, अगर वे बेस वीक है तो वो E1 मैकेनिज्म करेगा ठीक है। बाकी मैकेनिज्म के लिए E1 या E2 दोनों करें, लेकिन 3 डिग्री जो है वो कार्बन जो वो ज्यादा सफिशियंट होते हैं, जिसके ऊपर 3 डिग्री कार्बन हुआ है ना, तो वो चीज भी है। क्लियर है भाई सबको? यस सर क्लियर है। तो ये कुछ ऐसा आने वाला है, और इसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो आपको डायरेक्ट याद करनी होती है मैकेनिज्म्स में, और बहुत सारी दूसरी चीजें भी हैं, वही चीजें यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमने आप लोगों ने जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म जो कर चुके हो वो सारे दोबारा रिवाइज जरूर करना
ठीक है, और उनको याद करना अच्छे से जितनी बार कर सकते हैं उतना अच्छा है, ताकि आपके माइंड में कुछ अलग क्वेश्चंस भी आते हैं। कई बार ना ऑर्गेनिक में एक चीज बता देता, हमें लगता है कि ये कब बनेगा, वो कब बनेगा, मेजर कब बनेगा, माइनर कब बनेगा, बहुत सी चीजों के आंसर्स होते हैं, लेकिन कई बार हम सीधा बोलते हैं ये याद करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटल है, कुल मिला के एक्सपेरिमेंटल होता है, रीजन बाद में बनाए जाते हैं, ऐसा हुआ होगा, ऐसा होता होगा, ये सब रीजन है। तो ऑर्गेनिक में बहुत सारी लोट्स ऑफ प्रैक्टिस चाहिए, कुल मिला के याददाश्त ही चाहिए होती है। हाँ, कुछ कुछ रूल्स याद करने से वो याददाश्त आसान हो जाती है, हम प्रैक्टिस करते करते रूल्स बना लेते हैं, फिर वो रूल्स के हिसाब से ज्यादातर चीजें फिट बैठती है 90%, लेकिन 10% एक्सेप्शन बहुत जबरदस्त वाले चलते हैं, वो सीधा रट्टा मारना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, अभी मान लीजिए आपके पास में एक न्यूक्लियोफाइल ये है और एक ये है, आर ओ नेगेटिव है और आर एस नेगेटिव है, दोनों में से कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा अच्छा बेस है? ये अच्छा बेस है और ये अच्छा सर जो एच को पकड़ पाए अपने पास में, एच को अच्छा अट्रैक्ट करे, ठीक है, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन ना दे जिसका चिपक जाए बस, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करेगा। पोलराइजेबिलिटी, यहाँ देखिए पोलराइजेबिलिटी, ऑक्सीजन की क्या है, कम है, ऑक्सीजन छोटा एटम है ना, छोटा एटम है और नेगेटिव चार्ज है, इसके पास एच पॉजिटिव आता है, ये इसको खींचता है, इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं सिमेट्रिकली, इसको खींचता है इसके इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे करके डिस्टोर्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना, खराब नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यस सर। जबकि सल्फर, सल्फर क्या है, बड़ा एटम है तो सल्फर के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज है, तो अगर एच पॉजिटिव आयन आता है तो ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस तरह से डिस्टोर्ट कर देता है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा घूमने लग जाते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है, उधर भी घूमते हैं लेकिन उधर कम रहते हैं, तो यानी ये डिस्टोर्ट हो जाता है। तो अगर ये डिस्टोर्ट हो गया तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल गया परमानेंटली, तो ये डेफिनेटली ये बेस अच्छा है, बेस भी है, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है, किसी पॉजिटिव चार्ज, सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो हाइड्रोजन के अलावा, कोई भी पॉजिटिव चार्ज, जैसे CH3 पॉजिटिव लगा देते हैं, तो CH3 पॉजिटिव को बहुत स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा, उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड बना ले वो क्या होता है, वो होता है न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, आयनिक बॉन्ड रखे सिर्फ आयनिक, वो क्या होता है, वो बेस, वो इलेक्ट्रॉन बेस अच्छा होता है ना, वो बेस अच्छा, क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं, माइंड में रखना, बेस और न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में फर्क होता है, बेस अच्छा वो होता है जो एच पॉजिटिव आयन को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करे, जो आयनिक इन नेचर हो, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल अच्छा वो होता है जो किसी पॉजिटिव आयन को, एच को छोड़कर किसी पॉजिटिव आयन के साथ अच्छे से बॉन्ड बनाए, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बना ले, जिसका कोवेलेंट नेचर होता है बॉन्ड का, तो वो बेस अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्वियस है एच पॉजिटिव आयन को उतना स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट नहीं करता, वो अट्रैक्ट करेगा तो चिपक ही जाएगा परमानेंटली, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस, हाँ बेटा, उसको भी डाल सकते हैं, जैसे ओ नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और सल्फर कम है, तो सल्फर कम है तो उसकी पोलराइजेबिलिटी, लेकिन साइज भी साथ में आपको इम्पैक्ट डालना पड़ेगा, साइज भी, ठीक है, साइज को भी देखिए, साइज के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखिए, जिसका साइज छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, डेफिनेटली वो एच पॉजिटिव आयन को इलेक्ट्रॉन देगी नहीं, कोई भी एटम वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा उसे, और नहीं डोनेट कर रहा है तो डेफिनेट सी बात है वो बेस अच्छा है ना, और न्यूक्लियोफाइल अच्छा वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की प्रोबेबिलिटी रखे, यानी कि उसका साइज बड़ा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स का साइज और इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेटेबल हो, तो इसके बेस पर भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, भी ध्यान से करना ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। उसके क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर आपके पास ब्रोमीन जुड़ा है, NaOH है प्लस एल्कोहल, एल्कोहल प्लस NaOH से अगर रिएक्शन करवाते हैं क्या बनता है, एलिमिनेशन रिएक्शन है ये, है ना सर, इवन है क्या बेटा, इवन रिएक्शन सर, रिएक्शन हाँ इवन है ना सर, पोलर पार्टिकल एलिमिनेशन है, इवन होगा, ब्रोमीन जाएगा इधर से एच जाएगा, ठीक है, पहले ब्रोमीन जाएगा फिर एच आ जाएगा, तो दोनों में डबल बॉन्ड, ये एक स्टेप में ही हुई है रिएक्शन, ये दो सिंगल स्टेप, अगर सिंगल स्टेप होती है तो इवन है, एलिमिनेशन वन, इवन सिंगल हो गया सर, सिंगल E2 सर, सिंगल तो E2 होती है ना, टू स्टेप, टू स्टेप में होती है, इवन का मतलब है पहले पॉजिटिव आयन बनेगा, ये टू स्टेप में होगी इवन, और E2 जो होता है वो सिंगल स्टेप होता है, ठीक है, क्लियर है, Yes, sir. यहाँ पर देखिए, सबसे पहले डबल बॉन्ड बना, यानी इन दोनों से हम एलिमिनेशन करवा सकते हैं इजीली, ठीक है, फर्दर देखिए क्या हुआ, HBr एंटी मार्कोनी रूल, उसमें परोक्साइड भी प्रेजेंट है क्या,
जुड़ रहा है तो परोक्साइड प्रेजेंट होना चाहिए, होना चाहिए ना, ठीक है। पर मान लो कि नहीं है, चलो एक चीज करके देखते हैं कि ये हमारे पास इसके अंदर नहीं है परोक्साइड, तो क्या रिजल्ट आएगा बता सकते हो? मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा, मार्कोनिकोव की तरफ जाएगा मतलब। यस सर, मार्कोनिकोव अप्लाई होगा, पीएच लग जाएगा, मार्कोनिकोव की तरफ जाएगा। ठीक है चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ये मार्कोनिकोव की तरफ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या मार्कोनिकोव के लिए मतलब परोक्साइड होना ही जरूरी है एंटी बाकी कोई नहीं दिखाता उसका रीजन? B2H6 भी दिखाता है। कौन? डायबोरेन दिखाता है सर। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पर मतलब HBr, HCl, HI, HF के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो उसके अंदर हमें पता है सिर्फ HBr ही ऐसा दिखाता है परोक्साइड इफेक्ट। कैसे दिखाता है, उसका मैकेनिज्म आता है आप सभी को? यस सर, परोक्साइड पकड़ लेता है एक HBr को, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा तो वहाँ Br आते हैं। ठीक है, अगर मैकेनिज्म आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। मैं फिर सर एंटी मार्कोनी में सर लेफ्ट वाले में नहीं आएगा Br? एंटी मार्कोनिकोव के अंदर लेफ्ट वाले में आएगा क्या? हाँ सर, गड़बड़ लगा तब बनाएंगे ना वो लेफ्ट वाला। अगर परोक्साइड होगा तो फिर तो सर CH3, CH2 और CH2Br देते हैं यहाँ पर HBr, ठीक है, परोक्साइड, और ये क्या बनने वाला है CH3, उसके बाद कार्बन CH2 बन जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन लगेगा और इस तरफ लगेगा CH2Br, ठीक है। तो ये बनेगा भाई एंटी मार्कोनिक। सर इस तरह के क्वेश्चन नीट वाले में जी वाले में सर दोनों में ही नीट वाला आसान है सर। आप बोलते इजी है, हम पेपर देखते तो वो पता चल जाता है, होता सर देख के दिमाग बंद हो गया। इजी का मतलब ये नहीं है कि भाई आपका टेस्ट बिल्कुल ही आसान होने वाला है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ हम कहते हैं कि लेवल में डिफरेंस है। और ये जो आप लोगों को करवाया जाता है ना, जो टेस्ट आपका आता है, ये मेंस लेवल से कभी नहीं है, सही तरीके से दिखा जाए तो मेंस का भी नहीं है, एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर है, मेंस से थोड़ा सा नीचे, ऐसा वाला टेस्ट आपका सेट किया जाता है। तो अगर आप इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि घर पर बैठिए, जब आपका टेस्ट खत्म हो जाए सारे क्वेश्चंस विद आंसर सॉल्यूशन के साथ याद कीजिए, उनको समझिए, अगर कोई कॉन्सेप्ट मिस हो रहा था तो उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से दोबारा से रिवाइज करके याद करना है आपको, ये मीनिंग होता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा एंटी मार्कोनिफ और मार्कोनिकोव रूल आ रहा है ना, तो आपको इस क्वेश्चन को देख के एंटी मार्कोनिफ और मार्कोनिफ रूल को फिर से रिपीट करना है, फिर इसको अप्लाई करके देखना है, बार बार ऐसा करना है, हर क्वेश्चन में ऐसा करना है। अगर आप ये चीज बार बार करते हैं तभी आपको अच्छे से चीजें याद रहनी शुरू होंगी, मतलब बहुत लॉट्स ऑफ टूल यू शुड हैव टू लर्न आफ्टर दैट, फिर आप देख कर किसी क्वेश्चन को समझ पाएंगे कि हाँ ये चीज ऐसे होती है, समझ गए? हाँ, तो मतलब करना कैसे है वो चीज आपको जरूर ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। देखिए भाई नीट का पेपर मैंने देखा था इस बार वाला, एक फ्रेंड से भी डिस्कस किया था तो उसने भी बताया नीट का इस बार वाला जो पेपर आया था वो बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल था, बिल्कुल एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी लेवल फिंगर टिप्स पे कर लो बात ही खत्म, और मेंस लेवल जिनको नीट करना है एनसीईआरटी लेवल फिंगर टिप्स पे, और मेंस लेवल के क्वेश्चन उठा लो बस मेंस के, 30-30 क्वेश्चन हर लेसन के मेंस लेवल के, 30-30 करने, सिर्फ 30-30, और एनसीईआरटी तो 3 बार रिवाइज करने, और मेंस को कम से कम 2 बार रिवाइज कीजिए, इतना करने पर केमिस्ट्री तो आपकी हो गई समझ नीट लेवल। एडवांस वालों को क्या करना है, एनसीईआरटी तो आने चाहिए, उसके बाद मेंस के 30-30 प्लस 30-30 क्वेश्चन एडवांस लेवल के भी करने हैं, और तीनों चीजें रिवाइज करनी, बस इतना ही, क्लियर है? यानी कि एडवांस लेवल वालों को थोड़ा सा, मतलब जेई वालों को थोड़ा सा मेहनत नीट से ज्यादा करनी पड़ेगी क्वेश्चंस, बट नीट वाले बच्चे फिर बायो में ज्यादा रट्टा मारते हैं,
वो बायो का उनका सिलेबस थोड़ा ब्रॉड और वास्ट हो जाता है। आप लोगों का मैथ का डेफिनेट है तो नीट का लेवल थोड़ा सा डाउन है जेई से, तो उतना तो मेहनत करना पड़ेगा, बट एटलीस्ट ये कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। मैं हर रोज बोलता हूँ और जो भी मेरी क्लास लगाते हैं उनको सबको पता है, मैं सीधा बोलता हूँ, देखिए लगभग 180 कैलकुलेशन आपको मैं फिर से बता सकता हूँ अगर किसी को डाउट हो, बहुत से बच्चे यहाँ पर मेरी क्लास लगाते नहीं तो उनको पता नहीं होगा, 180 लेक्चर्स होते हैं, लेक्चर ठीक है, 180 लेक्चर्स होते हैं थ्रू आउट द ईयर, एक साल में, वन ईयर में, एक सब्जेक्ट के, वन सब्जेक्ट ठीक है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे केमिस्ट्री हो। केमिस्ट्री जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, इट मे बी वेरी करता हो थोड़ा बहुत डाटा, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं याद है, बट एटलीस्ट लगभग सभी टीचर्स के 180 लेक्चर में खत्म हो जाता है सिलेबस, केमिस्ट्री का भी 180 में, फिजिक्स का भी, मैथ का भी, और 150 से 180 डाटा है, कई बार 150 में भी हम करवा देते हैं सिलेबस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, बट एटलीस्ट हम मैक्सिमम मानते हैं कि 180 होते हैं साल में, दिन में मानता हूं कितने 200 हैं, ठीक है 200 दिन आपके पढ़ने के लिए होते हैं, 200 दिन, अब 180 लेक्चर्स हैं, देखिए वैसे तो 200 से भी ज्यादा होते हैं, लगभग 300 दिन होते हैं, 65 दिन, 52 दिन के संडे निकाल लो, संडे 365 में से 13 दिन और निकाल लो होली दिवाली के, बच गए 300 दिन, 300 दिन होते हैं आपके लिए पढ़ने के लिए, लेक्चर होते हैं 200 लेक्चर्स होते हैं एक सब्जेक्ट के, तीनों सब्जेक्टों के कितने लेक्चर हो गए, अगर मैं 200 मानू तो, जो कि ज्यादा है डाटा याद रख लेना, तीन सब्जेक्टों के हो गए 600 लेक्चर, 600 लेक्चर लगाने हैं, एक लेक्चर 1.5 घंटे का होता है ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हम कम ज्यादा कर लें इसको कोई खास फर्क नहीं, एवरेजली 1.5 घंटे का एक लेक्चर होता है, अब 600 लेक्चर का मतलब कितने घंटे आपको सुनना है, बस ये चीज याद रखना, एक साल का डाटा है, कितने घंटे सुनना है, 600 और 300 900 घंटे, आवर के तो आपके लेक्चर लगेंगे ठीक है, अब 300 दिन होते हैं, यानी हर रोज अगर 2 लेक्चर लगे, हर रोज 2 यानी कि 3 आवर के लेक्चर लगे, तो 900 आवर के लेक्चर हो गए, यस यस सर, हर रोज सिर्फ 2 लेक्चर लगेंगे, और मैंने बोला कि आपको हर रोज 3 घंटे पढ़ना है, तो 3 घंटे और जिस दिन लेक्चर लगा उस दिन आप पढ़ रहे हैं, 300 लेक्चर टोटल, मतलब 300 डेज ठीक है, 300 डेज लेक्चर लग रहे हैं आपके, तो 3 × 3 900 आवर आपको पढ़ने हैं, तो पर डे का कितना बना भाई, 3 आवर ये थे और 3 आवर ये हैं, तो पर डे का 6 घंटे का काम है, 6 घंटे का काम, किस चीज का पर डे का 6 घंटे का काम है, आप लोगों को पढ़ना है 6 घंटे, 3 घंटे हमारे लेक्चर है, 3 घंटे आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है हाथ से लिख, 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट को कम से कम देना, अब 3 घंटे से लेकर, मैं बोलता हूँ 3 आवर से लेकर 4.5 घंटे तक पढ़ना आपको, सेल्फ स्टडी जिसे बोलते हैं, जो लिख कर पढ़ना है, मैं जो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ स्कूल में, जो लेक्चर डिलीवर हो रहे हैं, जो आप किसी अदर से ट्यूशन से भी कहीं से पढ़ रहे हैं उसको काउंटेबल नहीं है, वो 3 घंटे आपके खत्म, बस 3 ही घंटे आपको किसी टीचर का लेक्चर लेना है, समझ आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसके अलावा कोई दूसरा टीचर सेम कॉन्सेप्ट दे रहा है, आप उसको रिवाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके टाइम पीरियड को नहीं बढ़ा रहा, आपको लग रहा है ना मेरा रिवाइज हो रहा है, मैं दोबारा समझ रहा हूँ, सारी उम्र समझते रहिए कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है, कंडक्टर सीट पर बैठकर सारी उम्र आप पूछते रहिए ये क्लच है ये गियर है ये रेस है, आपको गाड़ी चलाना नहीं आएगा जब तक आप सीट पर खुद नहीं बैठेंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हालांकि फर्क पड़ता है, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं होगा कि आप सारी उम्र अगर हम गाड़ी चलाना सीखते रहे तो हमें गाड़ी चलाना नहीं आएगा, आ जाएगा, लेकिन एक एक्सपीरियंस ड्राइवर से तो हम हमेशा, जब हम कभी सीट पर नहीं बैठे तो हम उससे हमेशा लेस एक्सपीरियंस ही रहेंगे, पहली बार में गाड़ी चला लेंगे, 10 साल में आपको प्रैक्टिस करवाता हूं कि मेरे पास बैठे रहिए देखते रहिए और सोचिए खुद गाड़ी चला रहे हैं, बताओ ब्रेक लगाऊं, आप खुद बताएं ब्रेक लगाओ धीरे लगाओ जोर से लगाओ ये करो वो करो, आप बताते रहे डायरेक्शन देते रहे क्योंकि आपको पता तो है कि करना क्या है, सामने ट्रैफिक आ रहा है हैंडल मोड़िए ये करिए, 10 साल लगातार हर रोज 2 घंटे मेरे साथ ऐसा करेंगे तो आपको गाड़ी तो चलानी आ जाएगी, बिना चलाए गाड़ी चलानी आ जाएगी इमेजिनेशन से, लेकिन वो 10 साल लगेंगे, और अगर आप 3 महीने डेली खुद हैंडल पर आ जाए तो 3 महीने में आ जाएगी, डिफरेंस समझ में आ रहा है, तो अगर बार बार किसी टीचर का लेक्चर सुनने से आपको 10 साल में जो चीज आएगी वो आपको 1 साल का 3 महीने में आ जाएगी, ये डिफरेंस है, इसलिए प्रैक्टिस तो खुद करनी पड़ेगी, तो जो खुद प्रैक्टिस करेंगे, किसी दूसरे टीचर का अगर लेक्चर लगा रहे हो और आपको लग रहा है रिवाइज हो रहा है तो वो तो भाई इसी चीज को आपको 10 गुना रिवाइज करना पड़ेगा, 3 घंटे का मतलब 3 महीने का काम 10 साल में हो रहा है, तो ये तो 40 गुना रिवाइज, मतलब उस लेक्चर को 40 बार जब आप करते हैं और एक बार आप लिख कर देख लेते हैं और 40 बार किसी लेक्चर को सुनते हैं, दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स, समझ में आया होगा मेरी बात, यस सर, 40 बार, इसलिए आपको खुद करना पड़ेगा, तो 3 घंटे अगर आपने लेक्चर सुन लिया उसके बाद दूसरा कोई टीचर आपको लेक्चर दे रहा है तो समझ लेना यू आर वेस्टिंग योर टाइम,
क्योंकि उस ऐसे टीचर का 40 बार लेक्चर सुनेंगे तब जाके कुछ बात बनेगी। तो इसकी बजाय अपने 3 घंटे बाकी के जरूर लगाने, कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 4.5 घंटे। तो आपके पास टोटल अगर 4.5 घंटे भी हम कहें और 3 घंटे वो, तो 7.5 घंटे का टोटल वर्कलोड है आपके पास। टोटल 7.5 घंटे टोटल। आपके पेरेंट्स कितनी जॉब करते हैं, 8 घंटे की जॉब गवर्नमेंट रिकमेंड करती है, तो 8 घंटे के अंदर से 3 घंटे तो आपको सिर्फ सुनना है। काम तो आपका 3 ही घंटे का, होमवर्क तो 3 या 4 घंटे का लगा लो, मैक्स 4 का लगाओ, 4, 3, 7, 7 ही घंटे बनेंगे। 7.5 भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, वो कभी कभी लगाए जाते हैं। 7 घंटे अगर आप डेली पढ़ रहे हैं, 3 घंटे आपका लेक्चर, 4 घंटे आप पढ़ रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट कवर कर दिए मैंने, दैट्स ऑल। इसके अलावा ये नहीं कि 16 घंटे पढ़ना, 17 घंटे, और आप खुद का ना निकाल के देखना कितने घंटे पढ़ते हो, समझ में आ जाएगा। कभी अपना टाइम टेबल चेक करके दीजिएगा कि वाकई में आपने कितने घंटे सच में लगाए, जो लिख कर पढ़ा वो कितने घंटे लगाए, सोचिए जरा। अभी सोच सकते हैं कोई ऐसा जो लिख कर पढ़ता है और वो 7 घंटे से ज्यादा लगा। लेक्चर लेते वक्त भी अगर लिख रहे हैं और नॉर्मल भी लिख रहे हैं, उन सबको काउंट कर, लेक्चर लेते वक्त लिखने को काउंटेबल नहीं है, दैट इज नॉट काउंटेबल, वो तो आप समझ रहे हैं। उसके बाद में आप याद करके, सुनिए, याद करके उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं 3 घंटे लगातार, तब सर मैं तब कह सकता हूँ हाँ कर रहा हूँ, 3 घंटे कर रहा हूँ। फिर सर 2 घंटे रखते, फिर 10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर उसके बाद 2 घंटे पढ़ना है। ऐसे लिख कर पढ़ते हो? यस सर, लिख कर, लिख कर याद करके, मतलब क्वेश्चन लगाते हो? यस सर, क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन लगा रहे हो डेली तो वो काउंटेबल है, मतलब आप क्वेश्चन देख रहे हो। मैं तो ऐसे करती हूँ, जैसे टीचर्स की नोट्स होते हैं पहले उसे पूरा रिवाइज कर लेती हूँ, फिर 1-1.5 घंटे उसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लगाती हूँ लिखकर। ठीक है, देखिए रिवीजन का मैं सीधा बोलता हूँ, जब आपको टीचर ने मैंने जैसे समझा दिया और आप अगर इन्हीं नोट्स को कुछ रिवाइज वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, वो आधे घंटे का काम नहीं होता रिवीजन। उसके बाद में आपको मैं सीधा बोलता हूँ, आपको 1-1.5 घंटा हर हर सब्जेक्ट के वो लगाने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं, बस सीधी सी बात है, क्वेश्चंस लगाने हर सब्जेक्ट के। और क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा होना चाहिए, ये नहीं है कि आप सिमिलर क्वेश्चंस के लेवल, मैंने जो बोला वो चीज फॉलो होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर आपके 1 घंटे में 10 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन कम से कम एडवांस लेवल का हो, 2 क्वेश्चन मेन्स लेवल के हो, 7 क्वेश्चन एनसीईआरटी के। और जैसे अगर आप आपको लग रहा है कि मैं 1 घंटे में 20 क्वेश्चन कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चंस का नंबर 20 की जगह चाहे 15 रखिए, एडवांस का नंबर बढ़ा दीजिए, 5 क्वेश्चन एडवांस लेवल के कर लीजिए, 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी और मेंस लेवल के कर लीजिए। जो जेई वाले बच्चे हैं, जो नीट वाले बच्चे हैं, वो प्रीवियस ईयर वाले सॉल्व करें प्लस एनसीईआरटी सॉल्व करें, अपने आप हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन का नंबर बढ़ रहा है तो 15 से ज्यादा 1 घंटे में क्वेश्चन नहीं लगने चाहिए आपके, 15 से ज्यादा लग रहे हैं तो आप आसान वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, सीधी बात है, कोई फायदा नहीं होगा। 15 क्वेश्चन से ज्यादा लग रहे हैं तो थोड़ा सा टफ लेवल उठाओ, अगर लेसन ही आसान है वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको किसी लेसन में ऐसा लग रहा है कि इस लेसन के क्वेश्चन वैसे नहीं आ रहे हैं, तो उस लेसन के क्वेश्चन फिर से रिवाइज कीजिए, आसान भी मुश्किल भी, और मुश्किल वाले ज्यादा कीजिए, लेवल बढ़ाइए। क्यों करते हैं सर नीट वगैरह के? सर वो जल्दी हो जाते हैं, आसान होते हैं वो, तो फिर आसान बहुत अच्छी बात है, लेकिन नोटबुक और पेन से सॉल्व करना है। अगर आप इतना कर रहे हैं, बिल्कुल अगर आप इतना कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अपने आप को फिर चेक भी कीजिए कि आप, कई बार हमें लगने लग जाता है कि भी हम सही कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद अपने आप को चेक कीजिए बेटा। चेक कैसे करना पता, कि आपका खुद का लेवल क्या है, आप किसी प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस उठाइए एक पर्टिकुलर लेसन के, और सारे खुद करने की कोशिश कीजिए, और टाइम भी नोट कीजिए कि कितने टाइम में सॉल्व किए। एक कल मैंने क्वेश्चन करे थे फिजिक्स के, 1.5 घंटे में मेरे 32-34 ऐसे कुछ क्वेश्चन हुए थे, सर ठीक है? 32-34 हुए थे, ठीक है, 1.5 घंटे में। और टोटल कितने आते हैं नीट में क्वेश्चन? 45 आते हैं फिजिक्स के, 5 क्वेश्चन आते हैं सर, 50 होते हैं टोटल, लेकिन 45 करने होते हैं, करने होते हैं सर, 50 होते हैं, 45 करने होते हैं आपके, मतलब 32-34 हो गए थे 1.5 घंटे में, और टाइम कितना होता टोटल? सर 3 आवर्स का होता टोटल, उसमें 1-1 घंटा देना होता है, 1-1 घंटा देना होता है ना इसका, सर इसका मतलब फिर आप खुद समझ सकते हो स्पीड अभी स्लो है, थोड़े और बढ़ाने पड़ेंगे, समझ में आया? यानी कि आपके 1 घंटे में 1.5 मिनट में 2 क्वेश्चन करने होंगे सर, 1 घंटे में 32-34 की जगह 45 क्वेश्चन हो जाने चाहिए 1 घंटे में, 45 नहीं हो रहे 40 तो हो जाए, है ना? ठीक है। और अगर मान लो बायो है, बायो को टाइम कम दे रहे हो या बायो के क्वेश्चन जल्दी लग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, फिर आप ओवरऑल देखो सर, बायो में तो 45 मिनट में 3 क्वेश्चन हो जाते हैं, 45 मिनट में हो जाते हैं, 30 से 45 मिनट, दिक्कत है तो समझ रहा हूँ।
हाँ ठीक है वो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या कीजिए कि मान लीजिए आप बिना दिक्कत वाले क्वेश्चंस को छोड़ते जाइए और फिर स्पीड अप से चेक कीजिए कि आपको कितना आ रहा है। खुद को चेक करना बहुत जरूरी है बीच बीच में, क्योंकि अब इसका मतलब हम बहुत पीछे हैं। सीधी सी बात है, जो बच्चा फुल आउट ऑफ फुल लेके आ रहा है और जो बच्चा लास्ट कट पे जा रहा है, उन दोनों का टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने कितने अटेम्प्ट करते हैं वो दोनों का देखिए, और आपको लास्ट कट वाले से तो काफी ऊपर होना चाहिए। और जो बहुत अच्छे नंबर लेके आ रहा है 720 आउट ऑफ 720 जिस बच्चे के नंबर आ रहे हैं नीट के अंदर, उस बच्चे के लेवल को आपका लेवल थोड़ा बहुत तो टच करे, मतलब उससे आप 10% डाउन हो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? ऐसे करके खुद को चेक कीजिए कि आप कहां स्टैंड करते हैं। और ये श्योरिटी होनी चाहिए पेपर में जाने से पहले, अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं डेली 2 घंटे एक सब्जेक्ट पर लगा रहे हैं, 4 घंटे 2 सब्जेक्ट पर लगा रहे हैं और 4 घंटे सॉल्व करके देखते हैं, रेस्ट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं कोई बात नहीं, उसको मैं काउंट नहीं करता कि रेस्ट ही रेस्ट है, बाकी सब 4 से 4.5 घंटे 3 से 4.5 घंटे लगाइए सब्जेक्ट्स के ऊपर, बाकी रेस्ट कीजिए, जो लेक्चर लगाने वो लेक्चर लगाइए। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं उसके बाद में अपने आप को चेक कीजिए और इस श्योरिटी के साथ में पेपर के हॉल पेपर हॉल में जाना है कि हमारा पक्का है नीट, हमारा पक्का है जेई, ये श्योरिटी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है आपने चेक ही नहीं किया कि यार 32 क्वेश्चन हो रहे हैं 34 क्वेश्चन हो रहे हैं 1.5 घंटे में हो रहे हैं, चलो ठीक है बाद में देखेंगे अभी तो ठीक ही हो रहा है काम, नहीं ये हम गलती कर रहे हैं, हमारा काम ठीक चल रहा है बिल्कुल सही है, मैं इसको डिनाई नहीं करता, लेकिन अब आप उस स्पीड को अचीव करने के लिए थोड़ा सा और और अपने स्टैमिना को वहां तक ले जाओ, जो वहां तक ले जाएंगे और रेगुलर उसे रखेंगे बिल्कुल टॉप पर रेगुलर रखेंगे फुल स्पीड के साथ फुल पैशन के साथ, समझ लेना काम बन गया। समझ में आ गया? यस। वैसे करके मतलब आप पहले से शोर हो जाओ भाई, इतनी मेहनत कर रहे हो ना तो लास्ट में जाके अचानक से स्पीड नहीं बनेगी बेटा, ये बता रहा हूँ, तो अभी बनेगी जो बनेगी, तो अभी थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज। अब ऐसा नहीं कि आज आप बैठे हो तो आज आपके 32-40 34 हो रहे हैं 1.5 घंटे में, तो कल आप 45+ कर दो अचानक से, एंजाइटिक नहीं होना, हमें दो तीन क्वेश्चन मतलब थोड़ा थोड़ा देखना है कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं, ठीक है, जो जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको मार्क करके फटाफट आगे बढ़े, छोड़ना कौन सा क्वेश्चन लीव करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के अंदर, कौन सा क्वेश्चन लीव करना, ज्यादा टाइम ले रहा है क्वेश्चन को छोड़ दो आगे बढ़ो फटाफट, जो फटाफट हो रहा है उनको खत्म करो, फिर देखो कौन सा क्वेश्चन को टाइम देना, ये स्ट्रेटजी भी सीखिए ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन कर सके। मेन का पेपर सॉल्व करा था, टोटल 103 आए 2 घंटे में, सर ये ठीक है, मार्क्स आए 103 2 घंटे में, कितने नंबर का था टोटल क्वेश्चन पेपर सर? प्री ये 2023 वाला था जेईई मेन का अप्रैल अटेम्प्ट। ठीक है, उसमें कितने क्वेश्चन गलत हुए आपके सर? 8-9 मतलब गलत थे। बताओ मुझे 2 घंटे में कितने अटेम्प्ट किए, कितने आए सर? 35 अटेम्प्ट किए थे और उसमें से शायद याद नहीं मेरे को, शायद 6 या 7 के अराउंड कुछ गलत थे, 6-7 गलत थे, ठीक है सर। केमिस्ट्री में थे 5 गलत। हाँ सर। देखिए मेंस के अंदर मैं मानता हूँ, केमिस्ट्री के टोटल कितने क्वेश्चन थे? टोटल 30 थे, 25 अटेम्प्ट करने थे। आपने कितने 25 किए थे? नहीं सर 16 किए थे। 16 किए थे, 16 में से 5 गलत थे, मतलब हम मेंस में अभी पीछे चल रहे हैं प्रणव बेटा, बहुत पीछे चल रहे हैं, इसको इम्प्रूव करो। मेंस के अंदर 25 क्वेश्चन अगर आपको करने दे 30 में से, तो डेफिनेट सी बात है 25 नहीं तो 20 तो हमारे सही होने चाहिए, अगर हम 22-23 क्वेश्चन करते हैं। नहीं सर, उसमें वो ऑर्गेनिक कुछ ऐसे टॉपिक भी थे जो अभी किए नहीं थे। हाँ ठीक है, फिर कुल मिला के ठीक है कोई बात नहीं, तो वो फिर आपको देखना पड़ेगा ना, आपने कौन सा पोर्शन छोड़ा, कौन से क्वेश्चन छोड़े, कौन से कर रहे हो, कितने घंटे, आपने घंटे भी 2 लगाए, क्वेश्चंस भी फिर कुछ ऐसे नहीं किए, तो इसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा है ना एनालाइज करना, वो आप देखिए क्या है, मुझे इसके लिए बहुत सारा डाटा या तो मुझे दीजिए फिर मैं बता सकता हूँ कि क्या करना होगा, है ना। चलिए तो भाई मार्कोनिफ और एंटी मार्कोनिफ रूल तो ये अब आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, समझ गए होंगे, लेकिन इसको ध्यान से अप्लाई करना, बस ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, E1, E2, SN1, SN2 मैकेनिज्म, ये सारे मैकेनिज्म आप लोगों को आते हैं ना, चारों मैकेनिज्म? यस सर। इसको भी करते हैं ना, इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं भाई, कौन सा मैकेनिज्म कब अप्लाई होता है, एक दिन प्रणव मेरे से पूछ रहा था कल परसों ही, कौन सा मैकेनिज्म कब अप्लाई होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, किसमें कंसंट्रेशन ज्यादा चलेगी, किसमें कम चलेगी, किसमें बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, किसमें बेस वीक होना चाहिए, है ना, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री, 2 डिग्री, कौन सा SN1 करेगा, SN2 करेगा, उनकी जितनी भी कंडीशनें हैं, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर क्या है कैसे है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए सभी मैकेनिज्म्स का विद एग्जांपल। और एक चीज बता देता हूँ, हमने ये SN1 SN2 के अंदर एक किया था ना, एक में रिंग का साइज रिड्यूस हो जाता है, एक में रिंग का साइज स्मॉल हो जाता है, पांच वाली बन जाती है 6 से, हाँ, और एक में 3 वाली भी बन जाती है ना, रिंग एक्सपेंशन रिंग कंप्रेशन,
वो दोनों एग्जांपल्स, बाकी जिसने नहीं भी किया कोई बात नहीं, लेकिन वो दोनों एग्जांपल्स रिंग कंप्रेशन और रिंग एक्सपेंशन वाले एग्जांपल्स को ध्यान से कीजिएगा, कौन सी कंडीशन में ऐसा हो रहा है, कब हो रहा है, ठीक है, उसको ध्यान से जरूर करना, उसके बेस पर क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, E1, E2, SN1, SN2, है ना, समझ गए? यस सर। ठीक है, डांसिंग रेजोनेंस वाला सर, क्या डांसिंग रेजोनेंस वाला क्या कह रहे हो बेटा? डांसिंग रेजोनेंस में वो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर हिलते रहते हैं, वो एक है उसका, वो भी एक डांसिंग रेजोनेंस भी होता है, जस्ट एक डेफिनेशन है, और कुछ नहीं है। थ्री कार्बन रिंग सर, हाँ थ्री कार्बन रिंग भाई, ठीक है। अब आगे देखिए भाई, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान से करेंगे तो आपको खुद वो पूछने वाला है, क्वेश्चन किस तरह का आया ये बता देता हूँ। क्वेश्चन के अंदर ये पूछा हुआ है कि अगर आप इसे SN1 से करते हैं, E1 से करते हैं, E2 से करते हैं, SN2 से करते हैं, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, सब केसेस में अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर है? यस सर। ऐसा कुछ क्वेश्चन आया हो तो इनको ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या कहता है, CH3CH2, ये डबल बॉन्ड है, NBS होता है भी एक, N ब्रोमो सक्सीनामाइड, ये क्या करता है, विनाइलिक एलाइलिक डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन के ऊपर ब्रोमीन जुड़ता है इसमें, ये है NBS का डायग्राम, ठीक है, NBS एक रिएजेंट का काम करता है, N ब्रोमो सक्सीनामाइड बोलते हैं इसे, ठीक है, तो यहां से ब्रोमीन उड़ता है और जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उससे जो नेक्स्ट कार्बन ये लगा हुआ है ना, डबल बॉन्ड वाला ये कार्बन है, ये भी है, इससे नेक्स्ट कोई कार्बन ही नहीं है, इधर कार्बन है इससे नेक्स्ट, तो इधर वाला कार्बन जो है इसका H उड़ेगा और यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ेगा। NBS स्पेसिफिक है कि वो एलाइलिक पोजिशन के ऊपर क्या करता है, हमारे हैलोजन को अटैच कर देता है। यस क्लियर है? यस सर। ये चीज याद रखिएगा कि NBS एलाइलिक पोजिशन के ऊपर उसको अटैक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट के बारे में, सबको पता है RMGX ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है। यस सर। इसके ऊपर ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, अजीब सा ही क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ एटॉमिक मास टाइप में कुछ कैलकुलेट करना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर आपको इंटरनेट पर मिलता है तो ढूंढ लेना, बहुत आसान है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला आना चाहिए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, समझ आ जाएगा कि किसका क्या पूछ रहा है, एटॉमिक मास समथिंग समथिंग कुछ पूछ रहा है, बताने है एटॉमिक मास। आपको फाइंड करना है कि कुछ ऐसा है क्वेश्चन, एटॉमिक मास, मैं क्वेश्चन नहीं बताने वाला भाई, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है और अगर आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आइडिया चलो बता देता हूँ क्वेश्चन कैसा है, ठीक है, वो बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो आपको पता लगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा हुआ एक्चुअल में, इसलिए मैं मतलब चाहता हूँ कि आप खुद सॉल्व करें, समझ सर, आप मत बताओ, हम ट्राई करेंगे, खुद सॉल्व करना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन, सिर्फ क्या करना है, एटॉमिक वेट आपको पता होगा, ठीक है, एटॉमिक वेट आपको ऑलरेडी पता है, मान लीजिए किसी चीज का, ठीक है, और आपको उसका आंसर फिर निकालना है, एटॉमिक वेट से आंसर निकालना है, वो कुछ कह रहा है कि उसको कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है, एटॉमिक वेट को, वो मतलब सीधा क्वेश्चन है, ऐसा कह लो कि वो कह रहा है कि आपके पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक वेट कुछ है, ठीक है, और कह रहा है कि अगर मैं उसको किसी नंबर से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो बताइए कि अब उसका एटॉमिक वेट क्या आएगा किसी पर्टिकुलर नंबर से, कुछ ऐसा है, ठीक है, तो अब वो मैथ्स का क्वेश्चन लग रहा है, मैथ्स का नहीं, ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट के बारे में है, इतना बता दिया, इससे ज्यादा और क्या बता सकता हूँ, ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, उसका कोई एलिमेंट उठाता है, वो आर तो नहीं उठाएगा, MgX उठाएगा, चलो ये भी बता देता हूँ, मैग्नीशियम या यहाँ मान लो क्लोरीन लगा हुआ है, वो कह रहा है कि क्लोरीन है, इसका एटॉमिक मास जितना भी है उसको किसी नंबर से डिवाइड करना है और फिर आपको वैल्यू बतानी, फाइंड द वैल्यू इफ आई एम डिवाइडिंग द एटॉमिक मास ऑफ दिस वन, बट इतना सीधा सीधा नहीं लिखा हुआ, कुछ और ही तरीके से लिखा हुआ है, अब समझ गए होगे क्वेश्चन, मतलब yes, sir. इतना डिवाइड है, लेकिन किसी और ही तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, तो मेरा यहाँ पर वैसे आपको ये क्वेश्चन के ऊपर मत्था मारने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन जब ये क्वेश्चन पेपर में आप देखो तो ध्यान से सोचना, आंसर बहुत आसान है, आंसर बिल्कुल आसान है, बट सोचना ध्यान से, तो एक जनरल आपको RMGX का फॉर्मूला आना चाहिए, आपको आंसर निकाल सकते हैं, फिर भी अगर ये क्वेश्चन गलत होता है तो फिर सोचना कि हम लोग सोचने के तरीके में कुछ गड़बड़े कर रहे हैं, इस वजह से हमारे क्वेश्चन के आंसर गलत आ रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो क्या है,
सर इसमें ई वन रिएक्शन है। यहाँ देखिए ब्रोमीन है, ठीक है, तो ब्रोमीन यहाँ से उड़ेगा, अल्कोहल और KOH प्लस अल्कोहल की रिएक्शन हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है डबल बॉन्ड बनने वाला है, ठीक है, तो ब्रोमीन यहाँ से जाएगा और डबल बॉन्ड बना जाएगा, या तो यहाँ बनाएगा या यहाँ बनाएगा, दोनों प्रोडक्ट आने वाले हैं। यस सर, यस सर, ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। E2 mechanism है ना सर, इसका मैकेनिज्म एक यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये वाला इधर जाएगा या ये वाला इधर जाएगा सर, E1 आएगा, सर E1 आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा सर, बेस स्ट्रॉन्ग है, E2 आएगा फिर, आगे देखिए भाई, आगे जो क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन जो है ना, साफ बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन सेम आया हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना लीक से हटकर क्वेश्चन था, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं कहीं क्वेश्चन डाल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझा सकूं बेटरली, ठीक है। नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट बताने हैं एसीटोन और NAI के साथ रिएक्शन करवाने के बाद, टोटल कितने आइसोमेरिक डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे, आइसोमर है ये, ट्रू आइसोमर, एनेंशियोमर, ठीक है, ये एक एनेंशियोमर है और आपको NAI के साथ रिएक्शन करवा के टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाना है, तो सबसे पहले ये बताइए मुझे प्रोडक्ट क्या बनेगा NAI के साथ, आयोडीन क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, यस सर, हैलोजन एक्सचेंज वाली रिएक्शन है, पहली बात तो यही है, ठीक है, आयोडीन को भी रिप्लेस कर सकते हैं, यस और नॉट, यस सर, इसको भी कर सकते हैं, भाई ये अब मैं बता देता हूँ प्रोडक्ट कैसे बनेगा, SN2 मैकेनिज्म है, SN2 से आपको NAI को जोड़ना है, तो भाई SN2 में क्या होता है, बाई मोलिकुलर, एक तरफ से इधर से आयोडीन आएगा, इधर आयोडीन हट जाएगा, हट गया तो ये क्या बन गया, डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, यस सर, ठीक है, तो एक तो प्रोडक्ट ये हो गया जब आयोडीन इधर से आ रहा है और ये बना दिया, पूरा एक प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, तो वन हमने काउंट कर लिया, वन मतलब हम कह सकते हैं पहला प्रोडक्ट काउंट कर लिया जब आयोडीन जुड़ेगा, दूसरा प्रोडक्ट अब बात करते हैं, तो अगर क्लोरीन को यहाँ से हटा दूं, पीछे से आयोडीन आएगा, तो दूसरा प्रोडक्ट हमने क्लोरीन को रिप्लेस करके आयोडीन जोड़ दिया, दूसरा प्रोडक्ट आ गया, तीसरा प्रोडक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि क्लोरीन भी उड़ जाएगा और आयोडीन भी उड़ जाएगा और दोनों के दोनों प्रोडक्ट बन जाएगा, तो तीसरा प्रोडक्ट में क्या होगा, क्लोरीन और आयोडीन दोनों ही किससे, आयोडीन से रिप्लेस हो रहे हैं, तीसरा प्रोडक्ट बन गया, चौथा प्रोडक्ट क्या, और प्रोडक्ट बन सकते हैं क्या, फोर्थ प्रोडक्ट भी बनेगा क्या, बताओ जरा, एक में हट सकता है क्या, जो बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है एक कार्बन, सर जो ये कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये वाला सी हट जाए तो सर सीएल और एच हटा सकते हैं, सीएल और एच, वो सी हटेगा तो कार्बोकैटायन बन जाएगा ना, और बेंजीन पे कार्बोकैटायन स्टेबल थोड़ी होता है, SN2 मैकेनिज्म सर कार्बोकैटायन, अरे वो चीजें छोड़िए मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ CH3 जो ऊपर नीचे दे रखे हैं आयोडीन और क्लोरीन के साथ, यहाँ पर आप हटाइए इनको, आयोडीन जोड़ सकते हैं, अब मुझे बताइए प्रोडक्ट कितने बनेंगे, क्या तीन के अलावा कोई और बनता हुआ नजर आ रहा है क्या, नहीं सर, नो सर, किसी को नहीं आ रहा नजर, सुनो भाई, अगर एक तो हमने ये आयोडीन हटा दिया, एक प्रोडक्ट बन गया पूरा, फिर इसको लगा रहने दिया, ये हटा दिया, दो प्रोडक्ट बन गए पूरे, ठीक है, और फिर क्या करें कि इसकी जगह पर भी आयोडीन लगा दिया और इसकी जगह पर भी आयोडीन को रिप्लेस कर दिया, दूसरे से तीन प्रोडक्ट बन गए, चौथा प्रोडक्ट नहीं बन सकता क्या कोई, सोचिए अगर ये एक कार्बन ही हट जाए तो वहां से कार्बन ही हट जाए, पूरा कार्बन हट जाए, पूरे कार्बन को हटाओगे, आई नेगेटिव का अटैक करोगे तो बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबल नहीं होता बेटा, सर न्यूक्लियोफाइल तो दो ही है ना इसमें, सीएल और आई, तो तीन ही बनेंगे, आयोडीन और सीएल, अगर देखिए यही आपका क्वेश्चन है, यहाँ तीन बन रहे के चार बन रहे, ये आपको फाइंड करना है तीन या चार में से एक क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, चौथा प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा तो फिर आप वाला आंसर सही है, क्लियर है, यस सर,
ठीक है आगे देखिए भाई, एक और रिएक्शन है। तो ये तो एक मतलब ट्रिकी टाइप में क्वेश्चन था, इसलिए मैंने डाल दिया कि आयोडीन जुड़ेगा और यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपको कैलकुलेट करना है। ये चीजें कैलकुलेट करने पर एक चीज फाइन हो जाती है, क्या होती है पता है, कि एनएआई के साथ रिएक्शन होता है तो वो क्लोरीन या आयोडीन को हटाता है, ये वाली चीजें हमें कंफर्म हो जाती है। उसके अलावा प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं। अब नीचे वाला देखिए भाई क्या है, वो कहता है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस हमने किया नहीं था अभी, है ना। तो ओजोनोलाइसिस के अंदर देखिए क्या होता है, डबल बॉन्ड जहां पर भी होगा ओजोनोलाइसिस क्या करती है, वहां पर ट्राई पेंटागनल रिंग बना देती है, तीन ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं। O3 में तीन ऑक्सीजन होते हैं, यस यस ठीक है। तो तीन ऑक्सीजन यहां पर आपके पास जुड़ जाएंगे, सीधी साफ चीज है, O3 का मॉलिक्यूल है, तीन ऑक्सीजन जो जहां डबल बॉन्ड था दोनों कार्बन के बीच में, वहां पेंटागनल रिंग बन जाएगी। अब ये रिंग बनने के बाद फिर रिंग कुछ ऐसे टूट जाती है, ऐसे टूट गई, ये वाला ऑक्सीजन तो हो गया, ऐसे खत्म, कहां जाएगा, बाय प्रोडक्ट्स में कहीं ना कहीं चला जाएगा। तो इस कार्बन के पास भी डबल बॉन्ड बन जाता है, इस कार्बन के पास भी डबल बॉन्ड हो, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन नहीं है पेपर के अंदर, लेकिन क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कि भाई मान लो कि बेंजीन रिंग, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बेंजीन रिंग के अंदर अगर मैंने यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पर भी क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, या इसकी जगह पर मैं क्लोरीन यहाँ पर लगा देता हूँ। अब वो पूछ रहा है कि प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ओजोनोलाइसिस के कितने बनेंगे, कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो एक चीज का पहले ये ध्यान रखना है कि ओजोनोलाइसिस में बेंजीन रिंग पर अगर तीनों डबल बॉन्ड यहाँ है तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, और अगर तीनों डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल दूं, सोचो जरा ध्यान से, ये पोजीशन बदल दी, बाकी क्लोरीन वही है, सब्स्टिट्यूएंट कहीं भी लग सकता है, ये ध्यान रख लेना, पोजीशन बदल दूं तो अब जितने भी डबल जितने भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो अलग बनेगा, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो देखिए यहां से डबल बॉन्ड, यहां से जैसे डबल बॉन्ड टूटेगा तो दोनों कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लगाना आप, यहां भी क्लियर है, ये डबल बॉन्ड टूट गया, समझ में आया, एक प्रोडक्ट। अब उसके बाद यहां से डबल बॉन्ड अगर आप तोड़ रहे हैं, ये डबल बॉन्ड खत्म कर दो, तो डबल बॉन्ड हो यहां लगाना है, ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट। तो पहले और दूसरे में फर्क है कि नहीं, बना के देखना, इस रिंग को जब तोड़ोगे ना यहाँ से, तो देखना कि दोनों सिमिलर तो नहीं आ रहे हैं, समझ में आ गया? यस सर। अगर यहां से डबल बॉन्ड टूट गया तो डबल बॉन्ड हो तीसरा प्रोडक्ट, तीसरा और पहला और दूसरा क्या ये आपस में कोई सिमिलैरिटी तो नहीं है, तो ये चीज आपको चेक करनी है। तो तीन तो यहां से तीन बार तोड़ दिए, अब सेम एज इट इज तीन बार यहां से तोड़ना है और फिर सारे प्रोडक्ट को मैच करना है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करना है। यस, छह हो जाएंगे। हां फिर छह क्या, तो दो में तो सिमिलर आएंगे, छह नहीं आएंगे, कुछ कुछ सिमिलर भी आएंगे सर, तो तीन में दो सिमिलर आएंगे तो सर चार बनेंगे टोटल, सर चार जितने भी आए वो आपको फाइंड करने हैं, पहली बात। दूसरी चीज बताता हूँ, ये क्लोरीन क्या थे, एक दूसरे के मेटापोजिशन पर थे, अगर वो दोनों ऑर्थो पर हो तो, अगर वो दोनों पैरा पर हो तो, यहाँ पर है ना, यहाँ हो, तब प्रोडक्ट बदल जाएगा। मतलब एक तो डबल बॉन्ड को रोटेट करके प्रोडक्ट बनाने हैं और दूसरा अगर इनकी पोजिशन बदलती है तो कैसे बनता है प्रोडक्ट, इस तरह से ओजोनोलाइसिस होती है, क्लियर है भैया सबको? यस सर। और इस तरह से उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैसे कैसे बनेंगे अब ये आपको फाइंड आउट करना है। हाँ बेटा, मतलब सर दो बेंजीन है, अगर दोनों बेंजीन में एक एक प्रोडक्ट सेम बना तो सर दोनों में से एक का किसमें करेंगे, एक एक सेम आ रहा तो एक ही कंसीडर होगा, अरे दो नहीं है ये एक ही है, ध्यान दो, डबल बॉन्ड तो रोटेट कर सकता है ना बेटा, बेंजीन तो एक ही रहेगी सर। जैसे मेरे को ओजोनोलाइसिस करने आएगा इसका, तो सर हमें मतलब ये शिफ्ट करके देखने पड़ेंगे क्लोरीन की पोजीशन। हाँ, क्लोरीन की पोजीशन नहीं शिफ्ट कर रही, पोजीशन तो सेम रहने, वो तो मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस करो, चलो मैं एक करवा देता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा सा आपको बेटर आइडिया होगा। सपोज हम ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो भाई क्या आएगा, बाकी सब मैं सेम लगा रहा हूँ, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड हो आ जाएगा, फिर इसके पास में सॉरी ये डबल बॉन्ड तो मैंने तोड़ दिया है ना, ये क्लोरीन लगा हुआ था और क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड हो यहाँ लगा दिया और ये क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, इसके बाद ये क्या था, ये CH2 था ये वाला, है ना, फिर आगे फिर CH2 है, फिर से मैंने CH2 लगा दिया, फिर उससे आगे थोड़ा डन चलेगा, ठीक है, फिर उसके आगे ये रहा, फिर से CH2 है, ये CH2 फिर से लगा दिया, उसके आगे नेक्स्ट के साथ डबल बॉन्ड था कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड कार्बन है और ये कार्बन के साथ Cl लगा हुआ था, Cl लगा हुआ था, और इसके बाद में क्या, ये सिंगल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड, क्लियर है? तो देखो क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डबल बॉन्ड को तोड़ के इन दोनों के ऊपर डबल बॉन्ड लगा दिया, क्लियर है? यस। तो इसको आप स्ट्रेट लाइन में लिखिएगा, सीधी लाइन में, ना कि ऐसे घुमा के, फिर प्लस में
इतना ही थोड़ा है, ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ू तो बाकी कार्बन मुझे सेम रखने होंगे, तो मैं बेंजीन को ऐसे ही बना देता हूँ, कार्बन कार्बन ठीक है, ये वाला कार्बन, फिर ये वाला कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, ठीक है। अब मुझे कौन सा डबल बॉन्ड तोड़ना है, सपोज मैं ये वाला तोड़ रहा हूँ, तो ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, ये लीजिए ये यहाँ से हो गया खाली। अब ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ दिया, बाकी की चीजें वहीं रखनी है मुझे, तो बाकी सबको वहीं रखूंगा। यहाँ क्लोरीन था, बिल्कुल था, यहाँ क्लोरीन है, बिल्कुल है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर डबल बॉन्ड था, यहीं रहेगा, ये वाला तो टूट गया, ये वाला डबल बॉन्ड था, ये भी यहीं रहेगा, तो इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आएगा, इसके साथ डबल बॉन्ड आएगा। अब देखो दोनों क्या सेम है क्या, अगर सेम प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली बात है फिर कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, फिर तो एक ही, हम इसको एक ही प्रोडक्ट कंसिडर करेंगे। अब पता है ये आपके लेवल तक इतना है कि ये सेम प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोडक्ट देख रहे हैं। CSIR नेट का जो टेस्ट होता है उसमें पता है क्या बोलता है, उसमें बोलता है ये मान लो कि कोई प्रोडक्ट दो बार बन गया तो वो उसको लिख देगा ये दो मोल आ रहा है, ये तीन मोल आ रहा है और एक एक मोल आ रहा है, फिर किसी को घुमा देगा, इसको दो कर देगा, इसको एक कर देगा, उसको तीन कर देगा, ऐसे करके ऑप्शन देता है। मतलब वो ये बताएगा आपको कि प्रोडक्ट तो तीन चार ही बन रहे हैं, और पहले तो कंफ्यूज करेगा तीन बनेंगे कि चार, तो एक में करेगा तीन प्रोडक्ट और सीरीज होगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स होंगे, एक प्रोडक्ट तीन मोल, दो मोल, एक मोल बनेगा, फिर दूसरे में कहेगा दो प्रोडक्ट, फिर एक दो तीन, फिर चार प्रोडक्ट, फिर दो तीन चार, ऐसे करके सोचो कितनी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि आपको लास्ट आंसर तक जब तक आप नहीं पहुंचते तब तक कहानी खराब, समझ गए, नंबर ऑफ मोल भी बताता है, क्लियर है। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल के बारे में तो सोच ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि दोनों सेम प्रोडक्ट बन रहे हैं कि अलग बन रहे हैं। तो यहाँ देखिए भाई, वैसे तो ये बिल्कुल अलग है क्योंकि इस कार्बन के साथ क्लोरीन है, और यहाँ पर किसी भी डबल बॉन्ड और कार्बन के साथ क्लोरीन नहीं लगा, उसे नेक्स्ट पर लगा, तो ये बिल्कुल अलग है, कोई चक्कर नहीं। अब तीसरा डबल बॉन्ड ये वाला है, इसको तोड़िए, चलिए तीसरा प्रोडक्ट भी बना लेते हैं, ये इसके प्लस में आएगा। यहाँ मैं छह कार्बन ऐसे कैसे लगा देता हूँ, ठीक है, आप लोग ऐसे बना के देखेंगे बहुत आसानी से बनेगा। छह कार्बन लगा दिए, ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ना है तो हम उस डबल बॉन्ड को यहाँ से उड़ा देंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ से चला गया, बाकी सबको सेम रखिए, डबल बॉन्ड ओ लगा दीजिए बाकी सबके साथ, तो ये क्लोरीन सेम टू सेम रहेगा और ये क्लोरीन सेम टू सेम रहेगा, और डबल बॉन्ड जो बाकी के हैं वो सेम टू सेम लगाइए यहाँ पर और यहाँ, ये वाले सेम है, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड टूटा है तो देखो भाई ये डबल बॉन्ड ओ लगेगा और ये भी डबल बॉन्ड ओ लगेगा, तो देखो ये और ये क्या सेम है क्या, ध्यान देना, एक कार्बन Cl है, फिर उसका CH2 है, CH2 है, इसमें हमने डबल बॉन्ड नहीं लगाया क्या, ये वाला टूटा था तो यहाँ एक कार्बन अलग है, ये अलग है सर, अलग है, है ना, अलग है, सेम है, देखो जरा CH2 के बाद नेक्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड है, तो यहाँ CH2 के बाद में बाकी के जितना जो H आए, CH2 आए, जो भी आए वो मैं मार्क कर लेना आप लोग, अलग है सर, अलग है, डबल बॉन्ड के साथ कार्बन है, यस, इसके अंदर डबल बॉन्ड तो है लेकिन क्लोरीन नहीं है इसके साथ, बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। सर पहले वाले में CH आएगा ना, CH2 जो लिखा है आपने, सर पहला जो प्रोडक्ट होना है उसमें CH आएगा, CH2 जो लिखा है, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आप कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पर CH2 आएगा, यहाँ भी CH2 आएगा, CH आएगा, सॉरी यहाँ भी CH आएगा, ठीक है, कोई का हाइड्रोजन अगर कम रह गया वो फोर्थ हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, वो आप अपनी तरफ से लगा सकते हैं, ठीक है भाई, क्लियर है, हाइड्रोजन को मत चेक कीजिए, यहाँ तो मैंने हाइड्रोजन लगा ही नहीं क्या, ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों प्रोडक्ट का लगाए, तीनों डबल बॉन्ड टूटने के। अब बाकी बारी आती है इसकी, इसके प्रोडक्ट्स आप खुद फाइंड आउट करें, समझ में आ गया होगा कैसे फाइंड करने हैं, यस सर, है ना, इस तरह से इसके प्रोडक्ट आप लोग खुद फाइंड करें, ऊपर वाले के प्रोडक्ट मैंने लिख दिए, और ये इसी का केस है, इसको अलग मत समझना, ये इसी का भाई है, तो तीन तो इससे बन गए, और इससे कितने बनेंगे, क्या वो अलग आएंगे, क्या वो सेम होंगे, वो सब आपको कैलकुलेट करना है। हाँ भाई क्लियर बेटा सबको, यस सर, यस सर, इस तरह का कुछ क्वेश्चन भी एक आपके उसके अंदर डाला होगा, ठीक है, तो भाई इतने ही क्वेश्चन थे और तो इसमें कुछ नहीं है, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर, तो आप लोगों को किसी को कोई डाउट है तो अपना डाउट क्लियर कीजिए और मैं इसको बंद कर, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ सर, वो रिंग एक्सपेंशन और रिंग कंप्रेशन वाला बता दो एक बार।